हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे यूएफए यूरोपा लीग के मैच के बारे में। और मैं आपके लिए पहले बता दूं, इस मैच की मैं आपके लिए 6 ग्रैंड लीग टीम प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक है टॉप के कमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये मैच ग्रैंड लीग के माध्यम से काफ़ी अच्छा है, ओके। ये मैच खेला जाएगा अर्सेनल और सपोर्टिंग सीपी के बीच में। तो दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है, इस टॉपिक पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी, कितना गोल स्कोर करेगी और किन 11 प्लेयर्स को टीम में लेकर चलना है और किस प्लेयर को कैप्टन और किस प्लेयर को वाइस कैप्टन देना है। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में कंप्लीट दी जाएंगी, आप वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए अब हम इन दोनों टीम के पहले पॉइंट टेबल, उसके बाद दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस, उसके बाद हम दोनों टीम के रीसेंट फॉर्म पर भी नज़र डालेंगे। तो पहले पॉइंट टेबल पर, तो गाइस अर्सेनल ये इंग्लैंड की टीम है और इंग्लैंड में ये टीम प्रीमियर लीग खेलती है और प्रीमियर लीग की टॉप बेस्ट पोजीशन पर फिलहाल के टाइम पर। और सपोर्टिंग सीपी ये पोर्टुगीज मतलब पुर्तगाल की टीम है और पुर्तगाल में पोर्टुगीज लीग खेलती है, वहाँ पर ये टीम टॉप 5 में आती है। तो दोनों टीमें अगर देखा जाए तो ये लीग की टॉप बेस्ट है, ये लीग की टॉप 5 में आती है। तो इन दोनों टीमों में हल्का सा डिफरेंस तो देखने को मिलता है, लेकिन दोनों टीम की लीग वाइज कंपेयर किया जाए तो गाइज इंग्लैंड की प्रीमियर लीग इन द वर्ल्ड टॉप बेस्ट लीग है। वहीं पर बात करें पोर्टुगीज लीग टॉप 10 में आती है इन द वर्ल्ड। तो इन दोनों टीम में लीग वाइज में भी इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आपको आज के मैच में अर्सेनल ही इस मैच को जीतने वाली यानी फेवरेट टीम देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं भी इस टीम के फेवरेट टीम मान के चलता हूं। लेकिन हम बात करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती है तो दोनों टीम की तरफ से किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो गाइस दोनों टीम के बीच में लास्ट 3 मैच खेले गए हैं और 3 में से 1 मैच अर्सेनल इस टीम सामने विन करा है, 2 मैच ड्रॉ खेले, अभी तक लॉस नहीं किया, बल्कि अटैक 1 है, डिफेंस 0.7 है। अटैकिंग परफॉर्मेंस देखा जाए तो एवरेज रहा, डिफेंस परफॉर्मेंस देखा जाए तो अर्सेनल की टीम के सामने अच्छा रहा है। अब हम बात करें जो पिछला मैच दोनों टीम ने अटैकिंग ड्रॉ खेला, दोनों टीम ने 2-2 गोल किए, डिफेंस से भी 2-2 गोल कंसीड किए, लेकिन आज के मैच में आपको इतने ज़्यादा गोल देखने को नहीं मिलेंगे। और एक मैच दोनों टीम के बीच में डिफेंसिव ड्रॉ गया है और उसे मुकाबला अर्सेनल ने टीम के सामने यूरोपा लीग में ही 1-0 से मैच को विन भी किया है। तो कहीं ना कहीं आपको अर्सेनल का परफॉर्मेंस इस टीम के सामने बेहतर देखने को मिलेगा, अटैक से भी और डिफेंस भी, तो इसीलिए मैं अर्सेनल को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं। लेकिन हम बात करेंगे दोनों टीम का करंट फॉर्म किस प्रकार का है फिलहाल के टाइम पर। तो गाइस अर्सेनल जो कि प्रीमियर लीग की टॉप बेस्ट टीम है, इसने 6 मैच खेले, 6 में से 5 विन करे हैं, 1 ड्रॉ खेला और इस टीम ने लॉस अभी तक नहीं खेला। अटैक से 2.8 गोल पर मैच स्कोर किया, डिफेंस से 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। अटैकिंग परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत मजबूत है, डिफेंस देखा जाए तो मतलब जल्दी से गोल कंसीड नहीं करता, ऑन एन एवरेज 1 गोल कंसीड करता है। अब हम बात करें जो पिछला मैच फुलहम के सामने ये टीम 3-0 से मैच को विन कर गई, 3 गोल किए इस टीम ने लेकिन डिफेंस से गोल तक कंसीड नहीं किया। सपोर्टिंग सीपी के सामने पिछला मैच इसी टीम के होम में था, वो टीम अटैकिंग ड्रॉ खेली और उसे मुकाबला बोर्नमाउथ के सामने टीम 3-2 से मैच को विन की है। और उससे पिछले 3 मैच और देखा जाए तो 3 मैच अर्सेनल ने विन करे हैं, 3 मैच में गोल स्कोर भी किया है और डिफेंस से 1 ही मैच में 2 गोल कंसीड किया, वरना गोल भी कंसीड नहीं किया। तो यहाँ से पता चलता है कि इस टीम का अटैक भी मजबूत है और आपको डिफेंस भी देखने को बेहतर ही मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग सीपी का करंट फॉर्म किस प्रकार का है, तो एक बार नज़र डालते हैं। तो गाइस सपोर्टिंग सीपी करंटली 6 मैच खेल चुकी है, 6 में से 5 विन करे हैं, 1 ड्रॉ खेला, सिर्फ लॉस इस टीम ने भी नहीं किया। अटैक 2.5 है, डिफेंस 0.7 है। अटैकिंग परफॉर्मेंस लीग वाइज कंपेयर अच्छा है, डिफेंस देखा जाए तो वो भी अच्छा है। अब हम बात करें जो पिछला मैच बोविस्टा जो कि लीग की काफ़ी हल्की टीम है उसके सामने 3-0 से विन कर गई, फिर अर्सेनल के सामने अटैकिंग ड्रॉ खेली और उससे पिछले इस टीम ने 4 मैच खेले, 4 मैच विन करे हैं, सभी मैचेस इस टीम ने वन साइडेड विन करे हैं, 1 मैच ऐसा विन किया जिसमें इस टीम ने 2 गोल कंसीड किया। तो रिसेंटली अगर देखा जाए सपोर्टिंग सीपी का डिफेंस भी अच्छा है, अटैक भी कहीं ना कहीं बेहतर देखने को मिलता है। तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज सबसे पहले हमने दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर नज़र डाली, फिर हमने दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस पर नज़र डाली, फिर हमने दोनों टीम के रीसेंट फॉर्म पर भी नज़र डाली। अगर हम तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लें कि कौन सी टीम का इन तीनों फॉर्मेट में मजबूत परफॉर्मेंस रहा, तो पॉइंट टेबल और लीग वाइज दोनों टीमों को कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं आपको अर्सेनल बेहतर पोजीशन पर देखेगी और सपोर्टिंग सीपी एक हल्की पोजीशन पर है। और ये मैं आपके लिए बता दूं, ये मैच अब इंग्लैंड में खेला जाएगा। अगर ये मैच इंग्लैंड में खेला जाएगा तो ऑब्वियसली अर्सेनल अपना होम में इस मैच को जल्दी से हारेगी नहीं, तो इसीलिए
इस मैच में आपको अर्सेनल स्ट्रॉन्ग टीम देखने को मिली है। लेकिन हेड टू हेड में देखा गया कि अर्सेनल जब भी टीम सामने मैच के लिए या तो मैच को विन किया है या मैच को ड्रॉ किया है, लेकिन लॉस नहीं किया है। रीसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा गया कि अर्सेनल ने जो परफॉर्मेंस दिया रिसेंटली वो काफ़ी बेहतर है अटैक से भी और डिफेंस से भी। सेम लाइक आपको सपोर्टिंग सीपी का देखने को मिलेगा। अगर रीसेंट फॉर्म बेहतर नहीं होता तो आप ये मानो कि ये यूरोपा लीग खेलती नहीं खेलती, क्योंकि टॉप बेस्ट टीम ही इस लीग को खेलती है। ओके, तो तीनों फॉर्मेट में आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग टीम अर्सेनल देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं भी इस टीम को एक फेवरेट यानी एक स्ट्रॉन्ग टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए, मतलब इस मैच में कितने गोल हो जाने चाहिए। मेरा मानना यह है दोस्त, आज के मैच में अर्सेनल की तरफ से 2 गोल आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज सपोर्टिंग सीपी गोल कर पाएगी। अगर गोल आएगा, वो एक गोल आएगा, वो भी पेनल्टी में आएगा। वो किसका गोल आएगा वो मैं आपको जब प्लेयर्स का डाटा दिखाऊंगा, हर एक प्लेयर्स का रिकॉर्ड दिखाऊंगा, तब आप उस प्लेयर को इजीली कैचअप कर पाओगे। तो अब हम चलते हैं प्लेयर्स के रिकॉर्ड पर, क्योंकि हमने अभी तक टीम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया, हर एक टीम के बारे में बताया कि कौन सी टीम विन कर सकती है और कितना गोल कर सकती है। लेकिन अब प्लेयर्स को लेकर बात करें कि कौन कौन से प्लेयर हमारी टीम में इंपॉर्टेंट रहेंगे और किन प्लेयर्स को हम ग्रैंड लीग और समोल लीग में कैप्टन और एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सीधे प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल कितने असिस्ट किए हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे अर्सेनल के प्लेयर्स पर, फिर हम नज़र डालेंगे सपोर्टिंग सीपी के प्लेयर्स पर कि कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए हैं। तो पहले अर्सेनल की तरफ से, और दोस्त अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि फुटबॉल प्रेडिक्शन आपको इस चैनल पर इसी प्रकार की मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ऑन करना, ताकि आपके पास ना हर बार नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम कोई नई वीडियो डालें। ओके, तो चलिए अब देखते हैं रिकॉर्ड की बात की जाए तो यूएफए यूरोपा लीग में टॉप हाइस्ट गोल टेकर इस टीम के लिए नकिटे है, जिसने इस टीम के लिए 2 गोल स्कोर किए हैं। विलियम शालीबा का भी 1 गोल आया हेडर वाइज, फैबियो वीरा का भी 1 गोल आया हुआ है, बुकायो साका जो कि क्लास प्लेयर है, इनफॉर्म प्लेयर है, तो इनको तो लेकर चलना ही है। फिर यहाँ से खाका है जिसने 1 गोल किया है, रॉब होल्डिंग है 1 गोल किया, टीयरनी का 1 गोल है, मार्किनोस का 1 गोल। अब आप ये सोचेंगे यार यहाँ पर सभी प्लेयर्स का इक्वली परफॉर्मेंस रहा, तो टॉप कौन से हैं, देखो मैं आपके लिए बताता हूँ। पहली चॉइस बुकायो साका आपकी टीम में होना चाहिए, कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, यहाँ तक कि ये पेनल्टी भी ले लेता है। विलियम शालीबा आप इनको भी हल्के मत लेना, हेडर वाइज बहुत तगड़ा प्लेयर है, तो इनको भी लेकर चलना। अगर एडवर्ड नकिटा खेलता है तो बेहतर ऑप्शन है, यहाँ तक कि मार्टिन ओडिगार्ड रहेगा और यहाँ पर गैब्रियल मार्टिनेल रहेगा, उनका आपको रिकॉर्ड नहीं दिख रहा लेकिन वो टॉप परफॉर्मेंस करते हैं इस टीम के लिए। अब हम बात करते हैं असिस्ट वाले कौन से प्लेयर, क्योंकि एक असिस्ट में फैंटेसी में 20 पॉइंट मिलते हैं, तो असिस्ट वाले प्लेयर्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो देखते हैं उनका रिकॉर्ड भी। तो असिस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर टॉप हाइस्ट गोल असिस्ट अगर वीरा है, 2 असिस्ट है। आपने ना क्लब लेवल पर इसका परफॉर्मेंस नहीं देखा होगा, लेकिन यूरोपा लीग में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और आपके लिए बता दूँ ये प्लेयर बहुत बेहतर है। इसको जब से साइन किया ना तो कहीं ना कहीं अर्सेनल टीम में डिफेंस भी और मिड दोनों में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। मार्किनोस का 1 असिस्ट 1 गोल है, यहाँ पर टोमियासो का 1 असिस्ट है, और यहाँ से गैब्रियल जेसस का भी 1 असिस्ट आया हुआ। ओके, तो अब हम बात करते हैं जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम नज़र डालते हैं सपोर्टिंग सीपी के प्लेयर्स पर भी। तो गाइस सपोर्टिंग सीपी की तरफ से भी पोटे का आए हैं 2 गोल, और मैं आपके लिए बता दूं ये इस टीम की तरफ से पेनल टेकर है, इनको तो ड्रॉप नहीं कर सकते हम, चाहे किसको भी करें लेकिन इसको नहीं कर सकते। यहाँ तक कि क्वाइटेस का भी इस टीम के लिए 2 गोल आए हैं हेडर वाइज, क्वाइटेस एज ए सेंटर बैक है लेकिन इनको हम ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी 2 गोल कर चुका है। फिर यहाँ से इनासियो का भी 1 गोल आया है, और यहाँ से आपको पोल डियास फर्नांडी जिसने इस टीम के लिए 1 गोल किया, और मेरे हिसाब से फॉरवर्ड है इस टीम की तरफ से, तो इसने पिछले सीजन इतना परफॉर्मेंस अच्छा दिया था लेकिन इस सीजन में थोड़ा डाउन आया है। तो यहाँ पर आपके लिए पोटे और यहाँ से क्वाइटेस, ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब हम बात करते हैं असिस्ट वाले कौन से प्लेयर हैं, तो चलिए उनका भी नज़र डालते हैं। तो असिस्ट में देखा जाए तो यहाँ से मार्कस एडवर्ड्स 1 असिस्ट है, नूनो संतोस 1 असिस्ट है, लेकिन मैं आपके लिए बताऊँ ये दोनों प्लेयर्स इस टीम की तरफ से फिलहाल के टाइम पर ये सेकंड हाइस्ट गोल टेकर है और ये थर्ड हाइस्ट गोल टेकर है क्लब लेवल पर, तो आप दोनों को हल्के में ना लें। ओके, तो अब हम बात करते हैं इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन। मैंने फेवर रख किया है अर्सेनल को 2-0 के हिसाब से, और 1-0 भी हो सकता है या 3-0 भी हो सकता है, 2-1 भी हो सकता है या 3-1 भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि अर्सेनल डिफेंस पर भी खेलती गेम और अटैक पर भी खेलती है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत टीम टू स्कोर होता नज़र आ भी सकता है, लेकिन मुझे चांस लग रहा है कि इस मैच में ज़्यादा गोल नहीं आएंगे। तो इसी के हिसाब से क्या रहती है इस मैच में टीम, तो चलिए नज़र डालते हैं टीम पर। तो गाइस सबसे पहले हम बात करें गोल कीपिंग सेक्शन में, मैं आपके लिए एक सजेशन दूंगा कि आप अपनी टीम में गोल कीपर आज सपोर्टिंग सीपी का ट्राई करो, क्योंकि मुझे लगता है कि अर्सेनल अच्छा कर सकती है, लेकिन जैसे सुबह बताया था कि लॉस एंजेलिस अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हार गेन वन साइड, और भैया मैं बहुत हारा उसमें,
तो कहीं ना कहीं देखो ये मैच प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बड़ी टीम अच्छी छोटी टीम सामने हार ही जाती है, लेकिन आज बराबर की टीम है तो मुझे लगता है कि रिजल्ट बराबर आएगा, मतलब अर्सेनल के फेवर में आएगा, तो मैं अडन को पिक कर चलता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यही टेस्ट होगा। अब हम बात करें डिफेंडिंग सेक्शन में, तो आपके सामने पहली चॉइस यहाँ पर विलियम सालिबा जो कि इस टीम के लिए एक गोल कर चुका है हेडरवाइज, ओके। फिर यहाँ पर मेरी सेकंड चॉइस टियरनी रहेगा, फिर यहाँ से टॉम यासो रहेगा जो कि सेंटर बैक है, डिफेंसिव वर्क बहुत अच्छा है इसका, होल्डिंग को भी आप हम टीम में पिक कर सकते हो, डिफेंस इसका भी अच्छा है, तो अभी के लिए मैं तीनों प्लेयर्स को लेकर चल रहा हूँ। अब हमारे पास ना यहाँ पर आपके दो ऑप्शन मिलेंगे, एक यहाँ पर इनासियो और यहाँ पर एक है क्वाइटेस, ये वाला, इन दो में से एक को लेना, दोनों सेंटर बैक है, पॉइंट डिफेंस दे सकते हैं, लेकिन असिस्ट देखो इंटरसेप्शन टैकल का ज़्यादा नहीं कर सकते बल्कि पासेस का ज़्यादा पॉइंट्स आ सकते हैं। मैं क्वाइटेस को इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस रखता है ये प्लेयर, अगर जेएसटी जस्ट को अपने टीम में रखना तो आप ये मान चलो कि इतने भी पॉइंट आज भी दे जाएगा, बाकी यहाँ पर कोई और खास मुझे ऑप्शन मिले नहीं किसी भी प्लेयर को मैं जिसको पिक करूँ, तो इसलिए मैंने ड्रॉप किए। अब हम बात करें यहाँ से मिड में, देखो अभी तक ना वीरा का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लेकिन यहाँ पर मार्टिन ओडिगार्ड और यहाँ बुकायो साका इनमें कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं क्लब लेवल पर जिस तरह का इनका परफॉर्मेंस है उसी तरह का आज भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं दोनों को लेकर चलता हूं क्योंकि दोनों क्लास प्लेयर और खेलने का चांस ओडिगार्ड रखता है, और आपको पता होगा पिछला मैच में ही इसने जब क्लीन शीट से मैच विन किया था एक गोल और एक असिस्ट आया था ओडिगार्ड का, तो एक बड़ा प्लेयर है अच्छा कर सकता है, एज ए नंबर 10 खेलता है, डिफेंसिव वर्क भी अच्छा करता है, ओके। मैं अपनी टीम में पोर्टे को लेकर चलता हूँ, अब पोर्टे नाम से ना आपको कोई प्लेयर मिलेगा नहीं, लेकिन ये कन्फर्म पोर्टे यही है, ओके, तो इसलिए इसको पिक करें क्योंकि पेनल्टी टेकर है। फिर यहाँ पर जॉर्जिनो है, देखो वही प्लेयर जो चेल्सी के लिए पेनल्टी लेता था, लेकिन चांसेस कम है कि आप पता पेनल्टी ले भी ले, लेकिन चांस बहुत कम लग रहे हैं। इस सीमित रो है, इस सीजन इसको टाइम नहीं मिला लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। नूनो संतोस इस टीम के लिए फिलहाल टाइम पर दो गोल कर चुका है फिलहाल, और क्लब लेवल पर सेकंड हाइस्ट गोल टेकर है, तो इसलिए मैं इनको जगह देख चला हूं। अब देखो वीरा को मैंने पिक नहीं किया, खाका को पिक नहीं किया, सिलेक्शन वेरी हाई है आई थिंक, देखो सिलेक्शन पता नहीं, हाँ सिलेक्शन फिर भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है, अगर ये दोनों गोल असिस्ट करते हैं तो वो तो बात रहेगी, लेकिन चांस बहुत कम रहते हैं इनका, ओके। वीरा का आ सकता है, मैं आपके लिए बता दूँ वीरा का आ सकता है। अब हम बात करें फॉरवर्ड सेक्शन में, तो हमारे पास फॉरवर्ड में देखो यहाँ पर आपके लिए मैंने बताया फर्नांडीज है और यहाँ से नकेटा है, ये दोनों मुझे लगता है कि खेलेंगे, इन दोनों में से एक को चूज करना, मैं नकेटा की रही क्योंकि नकेटा का हेड टू हेड ना मतलब अच्छा भी है, प्लस होम में खेलेगा तो होम टीम का एडवांटेज रहेगा, तो इसलिए बाकी यहाँ पर कोई खास मुझे लगे नहीं, तो इसलिए मैंने ड्रॉप। देखो यहाँ पर मार्टिनेली, रोसार्ड, ट्रोसार्ड है, गैब्रियल जेसस है, चैरिटी है और यहाँ से डियाज है, बेहतर प्लेयर है लेकिन खेलेगा एक दो ही, तो उसके हिसाब से मैंने अभी के लिए नकेटे को रखा। तो टीम का प्रीव्यू यह है दोस्त, अभी के लिए कैप्टनसी की बात की जाए तो उसमें कोई डाउट नहीं कि हमारी टीम में कैप्टन तो यहाँ पर बुकायो साका रहेगा, पेनल्टी प्लस ओपन प्लेयर्स गोल चांसेस ज़्यादा हाई, ओके। अब हम अपनी टीम में वाइस कैप्टन यहाँ से अभी के लिए मैं ओडिगार्ड को देख चला हूँ क्योंकि पिछले हेड मतलब पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था इसने, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस आज भी अच्छा करेगा, प्लस 90 मिनट खेलने का चांसेस भी रखेगा, तो वाइस कैप्टन नहीं है। लेकिन कुछ टीम में चेंजेस होगी तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक टॉप के कमेंट में है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल टीम तभी क्लियर हो पाती फुटबॉल में जब आप लाइनअप को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे कि कौन सा प्लेयर ऐसा है जो बिना गोल के भी पॉइंट दे जाएगा और 90 मिनट कंप्लीट खेल जाएगा, उसके हिसाब से ये जो फाइनल टीम रहेगी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ओके। बाय, टेक केयर।